अगर एक रुपी एक डॉलर के बराबर हो जाए तो ये तो बहुत अच्छा होगा, है ना? नो, 1947 में एक रुपी एक डॉलर के बराबर ही था, फिर 1973 में ऑयल क्राइसिस के बाद और 1991 में हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद हमारे करेंसी की वैल्यू गिरने लगी। और अगर आज की डेट में एक रुपी एक डॉलर के बराबर हो जाए तो पेट्रोल के प्राइसेस कम हो जाएंगे, फॉरेन में हमारा घूमना आसान हो जाएगा, फॉरेन में पढ़ना आसान हो जाएगा, आईफोन सस्ते हो जाएंगे और बहुत कुछ। तो ऐसा सरकार कर क्यों नहीं देती? क्योंकि इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, जैसे हमारे एक्सपोर्ट ना के बराबर हो जाएंगे, हमारा सर्विस सेक्टर जो कि 50% से ज्यादा हमारी जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है वो हाई मेंटेनेंस की वजह से उसको ऑफिसेज बंद करने पड़ेंगे जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि 2008 जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे सिचुएशन हमें देखने को मिले। तो क्या एक स्ट्रांग करेंसी एक स्ट्रांग देश की निशानी है या नहीं?